हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मनीषा। तो आज का जो टाइटल है उससे आप समझ ही गए होंगे कि आज की जो वीडियो है वो क्या है। यस, आज का जो वीडियो है वो है मेरा अपना हाउस टूर। तो हम लोगों ने घर लिया है और यही वो गुड न्यूज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, लेकिन टाइम ही नहीं मिला शेयर करने का। तो दो गुड न्यूज़ है, एक तो यही कि हमने अपना घर ले लिया है, यही सेक्टर 28 रोहिणी में लिया है हम लोगों ने हाउस टूर। मैं अभी आप लोगों को करवा दूंगी उसका। और दूसरी जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि मेरे भाई की शादी है, भाई या नहीं मेरे मामा के लड़की की, जो हमारे साथ रहता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, अमित की, तो उसकी शादी है। उसका जो इंट्रोडक्शन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। फिलहाल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना ओन हाउस टूर। तो चलिए आगे स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ, 60 मीटर का है ये हाउस और 2 BHK है। तो आई होप कि आप लोगों को हमारा छोटा सा घर पसंद आएगा। तो चलिए मूव करते हैं। तो वेलकम फ्रेंड्स, ये है हमारा 2 BHK हाउस जो कि एक बिल्डर फ्लोर है। ये हमने लिया है सेकंड फ्लोर पर, मेरी प्रेफरेंस थी वो सेकंड फ्लोर ही थी, तो लक बाई चांस हमें मिल गया है सेकंड फ्लोर पर। और ये जो हाउस है ये सेक्टर 28 रोहिणी में है, 60 मीटर का है ये। इसमें बिल्डर ने काम करवा के दिया हुआ है, फर्निश्ड है। तो चलिए दिखाते हैं बाहर से, कुछ इस तरह से ये गेट है, इस पर डिज़ाइन लगा हुआ है। ये आजकल कुछ ऐसे ही मिलते हैं। और जैसे ही आप रूम में एंट्री करते हो, सामने आपको ये काफ़ी स्पेशियस है ये वाला जो लिविंग रूम है वो, और ये वाला जो घर है मुझे मतलब देखते ही पसंद आ गया था। इसके बाद हम लोगों ने काफ़ी सारे देखे, लेकिन वो होता ना दिमाग में एक बार जो लग जाती है, छप जाती है, वो हो जाती है। तो ये वाला जो घर है हमें इसके सामने फिर मतलब कुछ नहीं हुआ। सेम ऐसे ही जब मेरी सिस्टर लोगों ने अपना घर लिया था तो उसको भी हमें देखते ही पसंद आ गया था। तो सेम सिचुएशन इसके साथ थी, हमें ये घर काफ़ी अच्छा लगा। और मतलब 2 BHK है ये, तो हम जो हमारी फैमिली है उसके लिए इनफ है ये। इससे बड़ा मतलब 3 BHK भी होता तो भी मतलब 60 उसमें आपको मिल जाता 64 में, बट हमारी फैमिली के लिए इनफ था और बजट के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल फिट हो रहा था, तो इसीलिए हमने ये वाला डिसाइड किया। और बात वही होती है, आप थोड़ा सा बजट बढ़ा लो घटा लो, लेकिन चीज़ पसंद आनी चाहिए। तो ये बस वही चीज़ थी कि हमें पसंद आ गई। आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो ये एक टोटल ओवरव्यू मैंने आप लोगों को एक बार दिखा दिया है। बाहर एक रूम है, एक अंदर है, बीच में है लिविंग रूम और उसके सामने है किचन, तो कुछ इस तरह से दिखता है। तो चलिए एक बार आपको डिटेल में भी मैं इसका टूर करवा देती हूँ। फर्निश्ड है, जो भी काम हो रखा है वो सब बिल्डर ने करवा के दिया हुआ है। हमें अभी फिलहाल तो इसमें कुछ भी करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है इस वाले घर में। तो ये है किचन, जहाँ पे साइड में आपको जो फ्रिज है उसके लिए जगह मिल जाएगी, इधर ओवन आ जाएगा आपका, काफ़ी स्पेशियस है। तो मूव होने के बाद मैं आपको बिल्कुल हर एक चीज़ का अलग से टूर करवाऊंगी, फिलहाल ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे रही हूँ। चिमनी वगैरह के लिए स्पेस दिया हुआ है, हाँ चिमनी वगैरह यहाँ पे नहीं है, बाकी स्पेस निकाल दिया है। किचन काफ़ी अच्छा है, मतलब वही होता है ना, लेडीज़ को तो किचन ही चाहिए होता है। किचन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, इसका जो काम हो रखा है किचन में, जो देख रहे हो आप डिज़ाइन वगैरह है वो भी, और स्पेशियस भी है, मतलब कहीं से भी इस घर में कोई जगह को वेस्ट नहीं किया गया है। और ये भी फुली फर्निश्ड है, देखिए मॉड्यूलर किचन है ये सारा। तो एक बार जस्ट मैंने आपको ओवरव्यू के लिए मैं दिखा रही हूँ, बाद में मूव होने के बाद जरूर मुझे पता है आप लोग सोचेंगे कि दिखाया नहीं है, तो मैं अच्छे से आप लोगों को बाद में अपना पूरा किचन टूर, बेडरूम सब अलग से आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये देखिए ये जगह जो होती है ना, ये मोस्टली लोग खराब कर देते हैं, जैसे सिर्फ दो ही स्लैब डालते हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, इसीलिए मुझे पसंद आया कि हर एक चीज़ को मतलब जस्ट ये नहीं कि बेचने के लिए बनाया है, बहुत अच्छे से बनाया है। जैसे मैं अगर अपने किचन को डिजाइन करती तो सेम वैसे ही किया हुआ है। तो बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो कुछ इस तरह से लिविंग रूम के सामने स्पेशियस है किचन, इस तरह से इसकी जो लुक है वो आती है। और आई होप को कि आपको भी इस रूम का, इस जो घर का पार्ट है, सबसे अच्छा किचन ही लगेगा। तो ये जो रूम है इधर साइड में, ये बेडरूम है, सेम जो डिज़ाइन है, सारे ही जो डोर है आपको सेम डिज़ाइन उन पर मिलेगा इसी तरह से। तो ये चलिए मूव कर लेते हैं एक बार बेडरूम में। तो बेडरूम में इस तरह से आपको हर रूम में एक जो वॉल है उसके ऊपर
जो वॉलपेपर है वो मिलेगा, वॉल सीलिंग की गई है इस तरह से, और एसी वगैरह के सारे पॉइंट दिए हुए हैं। वॉलपेपर बहुत ही खूबसूरत हमें लगा ये, और काफ़ी अच्छा है। तो एक्चुअली इसमें क्या है ना, ये थोड़ा सा इसमें एक फैमिली पहले रह के जा चुकी है, वन ईयर वो लोगों ने स्टे किया था नियर अबाउट, तो थोड़ा बहुत तो काम है। और जो पेंट वगैरह है ये प्लेन था, लेकिन अब जब बिल्डर ने इसको दोबारा से जब पेंट करवाया तो उसको दूसरे कलर करवा दिए, अदरवाइज जो क्रीमिश होते ना वो ज़्यादा अच्छे लगते। तो जो अलमीरा वगैरह है वो भी काफ़ी स्पेशियस है, बहुत बड़ी है, तो इसमें थोड़ा सा बाद में चेंजेस करवा के अपने अकॉर्डिंग इसको करवा लेंगे, अदरवाइज अभी भी काफ़ी स्पेस है इन सब के अंदर। तो देख लीजिए आप लोगों को कैसा लग रहा है ये, और मुझे तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं मतलब शायद वर्ड भी अच्छे से नहीं बोल पा रही हूँ आप लोगों के लिए क्या बोलना है मुझे, बट वही होता ना, एक सपना होता है सबका, तो वो आज हमारा कंप्लीट हो गया है। मतलब सोचा नहीं था हम लोगों ने, अगर आपको लगेगा कि मैं सडनली आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो सच में हम लोगों का कोई प्लान नहीं था अभी लेने का। मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था कि जब परी का एडमिशन हो जाएगा तब हम सोचेंगे आफ्टर वन और टू ईयर, बट पता नहीं क्यों बन गया एकदम से। होता है ना कि आप चीज़ें प्लान करते रहो तो होती नहीं है, और ना प्लान करो तो हो जाए। यहाँ से शाफ्ट दिया हुआ है ये किचन का, और जो रूम का वॉशरूम का सब, मतलब यहाँ से आपका पूरा वेंटिलेशन का बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ है, तो ये यहाँ पर शाफ्ट है। तो इसके साथ में है एक अटैच्ड वॉशरूम, वो भी स्पेशियस है। तो मैंने जैसे कहा आप लोगों को कि काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज किया गया है, टाइल्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी हैं, तो हर एक चीज़ वही बात है, जब आप ले रहे हो तो मतलब आपको हर चीज़ पसंद आ गई है तभी आप लेते हो। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से लगाई गई है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये। और ये इसमें थोड़ा बहुत जैसे आप मॉड्यूलर आप अपने अकॉर्डिंग इसमें जो चेंजेस करवाना चाहे वो हम बाद में धीरे धीरे करवाते रहेंगे, बजट के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग। तो फिलहाल तो टाइम बिल्कुल भी नहीं था, बहुत जल्दी हम शिफ्ट करने वाले हैं, तो सारी जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, सारा शिफ्टिंग वगैरह भी सब कुछ। तो फिलहाल तो मैं सोचा आप लोगों को रूम टूर दे देती हूँ, जैसे ये फाइनल हुआ वैसे ही मैंने आप लोगों को रूम जो हाउस टूर है वो दे दिया है। और यहाँ से रूम्स का आप जो स्पेस है वो देख सकते हो कितना अच्छा है। और अटैच बाथरूम है तो ये बेडरूम, मास्टर जो बेडरूम है आप उसको वो बोल सकते हो। तो चलिए बाहर चलते हैं, देखते हैं बाहर हमारे सब मतलब मेहमान है, मेरे सिस्टर इन लॉ वगैरह हैं, मेरी देवरानी है, तो सब आए हुए थे देखने के लिए। थोड़ा सा इसमें कुछ एक काम करना था हम लोगों को, वो भी करने के देखने आए कि कैसे क्या करना है हमें, क्योंकि जल्दी शिफ्ट करना है। ये कॉमन वॉशरूम है तो ये भी सेम वही, इसमें टॉयलेट जो और वॉश मशीन वगैरह है सेम उसी तरह से लगाया गया है, और टाइल्स वगैरह इसकी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और जो वेंटिलेशन का है वो भी यहाँ से प्रॉपर वेंटिलेशन हो जाएगा, तो टाइल कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा लगा है। और बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये मेरा जो हाउस है वो हमारा अपना। अगर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप अपना ले लो अपना ले लो, तो देखिए आप लोगों की विश की आप लोगों ने विश किया और प्रे किया, तो देखिए हमारा घर हो गया। तो थैंक यू सो मच सब लोगों का जिन्होंने हम लोगों के लिए विश किया था और इतना हमें प्यार दिया, सपोर्ट किया। तो ये है बाहर वाला रूम जो कि हम नीरव का रूम हो जाएगा, गेस्ट रूम आप कुछ भी बोल सकते, तो गेस्ट तो हमारे सारे आसपास ही रहते तो रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये होगा रूम नीरव का। तो ये सेकंड रूम है, ये भी काफ़ी अच्छा है, इसमें भी वॉलपेपर वगैरह सब कुछ वैसे ही, फॉल सीलिंग वगैरह सब है। और अलमीरा है वो भी काफ़ी बड़ी दी हुई है, तो नीरव और परी के लिए दोनों के लिए सेट हो जाएगी, इतनी बड़ी है ये अलमीरा। तो मैं दिखा देती हूँ एक बार आप लोगों को ओपन करके, मेरे सिस्टर जो है वो मेरी हेल्प कर रही हैं, उन्होंने कहा कि तुम वीडियो बनाओ मैं दिखा देती हूँ। तो हैंग करने के लिए है यहाँ पे इस तरह से, ये एक ड्रॉअर दिया हुआ है, नीचे भी काफ़ी बड़ा है और एक और ड्रॉअर नीचे, तो परी और नीरव के लिए काफ़ी स्पेशियस हो जाएगा। तो यहाँ पे बस मस्ती चल रही थी, सामने टीवी पैनल दिया हुआ है और कलर वगैरह भी काफ़ी हमें अच्छे लगे। तो सेम दोनों ही अलमीरा जो दोनों साइड की अलमीरा है वो एक जैसी है। और ये देखिए तो जो काम है लकड़ी का वो भी काफ़ी अच्छा किया हुआ है। और यहाँ से जो बाहर का बाकी का जो है वो व्यू इस तरह से आता है, और मैचिंग काफ़ी अच्छे से की गई हुई है, एसी वगैरह का पॉइंट दिया हुआ है बाहर की तरफ है, तो आप इसमें विंडो एसी लगा सकते हैं। चलिए बाहर है जो बालकनी है वो भी मुझे अच्छी लगी, जो फिलहाल जिस रूम में जिस घर में हम रह रहे हैं उससे
बालकनी थोड़ी सी छोटी है, लेकिन मतलब छोटी तो नहीं उतनी है, और जो चौड़ाई है उसकी वो ज़्यादा है, तो ये काफ़ी स्पेशियस है। मशीन वगैरह वो मेरे दूसरे वॉशरूम में एडजस्ट हो ही जाएगी, तो मैं इसको बिल्कुल खाली रखूँगी। और इसका भी मैंने सोचा हुआ है, बहुत ही अच्छे से इसको सेट करके फिर आप लोगों को इसको दिखाऊंगी। तो कुछ इस तरह से दिखती है बाहर से, टाइल्स वगैरह हैं, बैठने के लिए काफ़ी स्पेस है, दो चेयर आप आराम से डाल के, चेयर टेबल डाल के अपना आराम से यहाँ पे टी इंजॉय कर सकते हो सुबह शाम। तो जब मैं करूँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, और आप लोग भी इन्वाइटेड हो मेरे घर पर। और ये देखिए इतना है, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये। और यहाँ पे एसी के जो बाहर वेंट वगैरह के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे आपका विंडो एसी लग जाएगा। तो चलिए, ये था मेरे जो हाउस टूर था, मैंने आप लोगों को पूरा करवा दिया है, और एक छोटा सा पार्ट और रहता है इस घर का, वो भी मैं अभी आप लोगों को करवाती हूँ। इसमें आपको स्टोर रूम दिया गया है, तो ऊपर की तरफ जाते हुए आपको मतलब जो सीढ़ियों में जो स्पेस होता है ना, वो एज अ स्टोर रूम दिया हुआ है, और ये बहुत ही एक मतलब अच्छी हेल्प हो जाती है आपकी जब आपको इस तरह का एक स्टोर रूम मिलता है। तो यहाँ पर जैसे मेरा सेकंड फ्लोर पे, तो जब हम थर्ड फ्लोर पे जाएंगे तो सामने जो रूम है सीढ़ियों के ऊपर, वो है मेरा स्टोर रूम। तो इस घर का ये वाला जो पॉइंट है, ये भी मुझे मतलब एक समझ लीजिए अट्रैक्शन था इसका। लाइट वगैरह भी नहीं है, तो बस देख लीजिए कितना स्पेस निकलेगा, लेकिन इसमें ये कि जो मेरी अलमीरा वगैरह ना वो सेट हो जाएगी, और उसमें काफ़ी सारा सामान आ जाएगा। तो इतनी सी भी स्पेस अगर आपको मिलती है एक्स्ट्रा, तो वो बहुत ही एक हेल्प हो जाती है। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, और आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, तो बताइएगा कि आपको मेरा नया घर कैसा लगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। और वीडियो पसंद आए इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।